स्टूडेंट्स हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा है। कार्तिकेय देहरादून से है और कार्तिकेय का इस बार स्कोर है 680 आउट ऑफ 720। क्लासरूम कोचिंग किया देहरादून के अंदर, क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिए अचीवर कोर्स ज्वाइन किया जिसको अभी टारगेट बैच बोलते हैं, और दबा दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मोर देन 40,000 क्वेश्चंस। कार्तिकेय मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, आपने कब ज्वाइन किया था ये अचीवर बैच? सर मैंने ये अचीवर बैच फरवरी और मार्च के बीच में ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं वेबसाइट से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करता था। फरवरी और मार्च के बीच में ज्वाइन किया तो 7 महीने के अंदर करीब 40,000 क्वेश्चन, 7 महीने यानी 210 दिन, हर रोज करीब 200 क्वेश्चन। सर इन द एंड मैंने ज्यादा प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस को। अच्छा, शुरू में 100-150 से चालू हुए, एंड में आके 300 के आसपास भी? यस सर, लास्ट में बहुत प्रैक्टिस किया था। कंबाइन कर लेंगे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री को तो बायो के थोड़े ज्यादा हो रहे होंगे उसमें। Yes, sir, अब ये बताइए कार्तिक, अभी अपना टाइम पास कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी काउंसलिंग तो डिले पे डिले हुए जा रही है, तो मैंने देखा आपने खुद का चैनल खोल लिया है, चैनल का नाम रखा है शर्मा जी का बेटा, तो ये सब क्या है जरा बताइए बच्चों। जो कार्तिक का चैनल है जबरदस्त है, आप उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, जरूर जाके इनका यूट्यूब चैनल देखिए। तो कार्तिक शर्मा जी के बेटे का क्या फंडा है? सर जैसे मतलब बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, उसके ये है, तो इसीलिए मतलब मैंने चैनल का नाम शर्मा जी का बेटा रखा। और जो मतलब जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो गलतियां मैंने करी है, तो इन शॉर्ट वो कोई हेल्प हो जाए या कि मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊं, तो उस रीजन से जैसे मैंने खोला है। तो आपने चैनल का नाम रखा है शर्मा जी का बेटा, और अभी पिताजी को लोग बुलाते होंगे कार्तिकेय के पिताजी, ऐसा भी हुआ है या नहीं? क्योंकि आपको एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ फेलिसिटेशन हो गया, yes, काफी sir. लोग इधर उधर कुछ कुछ कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी जाते होंगे बच्चे के 680 हैं, तो yes, पिताजी sir. का नाम अभी भी डॉक्टर शर्मा है या कार्तिकेय के पिताजी हो गया है? यस सर, मतलब जब भी कोई मिलता है या जब भी मैं पापा के साथ के जाता हूँ, तो उस रीजन से मतलब लोग हमें मिलते हैं कि अरे वाह ये तो बढ़िया है, तो हाँ मतलब मेरे वजह से भी ऐसा हो रहा है। जबरदस्त है बॉस। तो मैं दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, 40,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, 40,000, ये देखिए 4642। और मैं आपको दिखा पाऊँ एक और चीज, टेस्ट अटेम्प्ट, इनके टेस्ट में एक्चुअली इतना बड़ा स्कोर नहीं आ रहा था, जो हमने लास्ट टेस्ट लिया था 5 सितंबर को कार्तिकेय का, उसमें स्कोर था 623, उसके पहले वाले टेस्ट में 652 था, फाइनल स्कोर आया 680। कार्तिकेय क्या हुआ फाइनल नीट के एग्जाम में, आपने ऐसा क्या किया कि स्कोर ये जो आपका 650 के नीचे चल रहा था 680 पे पहुंच गया? सर जैसे मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होती थी, पहले बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, तो बायो और केमिस्ट्री तो मेरी ठीक थी, बायो में मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था, बायो में मेरे 3 सवाल रॉन्ग हो गए, केमिस्ट्री में मेरे 4 रॉन्ग हो गए, और जब मैं फिजिक्स पे आया तो मेरे पास 1.5 आवर्स बचे हुए थे, तो देख के तो लग रहा था कि इजिली हो जाएगा, लेकिन वो पूरा 1.5 आवर्स फिजिक्स में इन द सेंस अच्छे से गया, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी कभी भी मेरे को फिजिक्स के 1.5 आवर्स शायद ही मिले होंगे, तो उसके में जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे प्लस जो अचीवर्स बैच में से कर रखे थे, तो उससे बहुत रिलेट कर पाया मैं क्वेश्चन, जिसमें मतलब फटाफट बनते गए क्वेश्चंस। फेयर इनफ। तो आप दो चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे, एक चीज ये है कि बायो और केमिस्ट्री, बायो से स्टार्ट किया फिर केमिस्ट्री पे गए, आइडिया ये होता है कि उनको जल्दी करके फिजिक्स के लिए जितना ज्यादा टाइम बचा सके यस उतना अच्छा है। यस सर। और आप आपके दिमाग में ये भी था कि जरूरी नहीं है पेपर 2020 की तरह है जिसमें लिटरली फॉर्मूले पूछे गए थे, पेपर टफ आ सकता है, किस लेवल की तैयारी करके गए थे फिजिक्स में? सर मेरे फादर भी मेरे को यही बोलते थे कि बायो इजी है, केमिस्ट्री भी थोड़ी इजी है, तो इजी चीजें तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा कर लेंगे, बट फिजिक्स जो ऐसी चीज जो हार्ड आ सकती है, अगर मैं उसको अपना ग्रिप में और एकदम अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चलूं, तो अगर कुछ ऐसा केस हुआ कि पेपर हार्ड आ गया तो मेरे को एक्स्ट्रा एज मिल सकती है, तो इसी रीजन की वजह से सब लोग कह रहे थे कि मतलब पेपर पहले जैसा ही आएगा, इजी आएगा, तो फिजिक्स में डिस्टिंक्टिवली मैंने हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे लास्ट में। फिजिक्स में हार्ड क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस किए थे? यस सर। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स हमें कंप्लेंट कर रहे थे बाय द वे लास्ट ईयर एग्जाम से पहले कि सर फिजिक्स का पेपर इतना मुश्किल क्यों दे रहे हो, उन्हीं लोगों ने बाद में थैंक यू बोला कि सर अच्छा हुआ आपने हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी थी। ठीक है, अब कार्तिकेय ये बताइए, जैसे आपका स्कोर कम आता था तो डिमोटिवेशन होता था, लगता था कि यार नहीं हो पा रहा, गड़बड़ हो रही है?
यस सर, मतलब बहुत ज्यादा होता था, और बीच में मतलब जब शायद से मेरा दूसरा या तीसरा मॉक टेस्ट था उसमें मेरा स्कोर 456 आया था, 11th का कब मॉक हुआ टेस्ट था, था। 11th में या 12th में? यस सर, 12th में ही शायद से, जब मैंने जनवरी जनवरी में कब दिया था उसमें मेरा स्कोर 456 आया था, सबसे कम आया था। तो उसमें मतलब मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। तो जब भी कुछ ऐसा सीन होता था तो मैं मम्मी पापा को जाके बात कर लेता था कि ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इन द सेंस वो बर्डन नहीं लगता था कि अपने अंदर ही वो बात है। और जब मम्मी पापा को पता चल जाता था तो वो खुद आके बोलते थे कि मतलब ईजी है, हो जाएगा, कर लेगा, तो बहुत रिलीफ मिलता था मुझे उससे। तो ये बात तो है, मतलब एक लेवल पे आपको ये तो लग ही रहा होगा कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ। मुद्दा ये था यस कि मैं सर, अपने आप को कितना पुश करूँ, कितना कितना पुश करूँ। एग्जैक्टली? यस सर, और आप लोग के लिए खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को ये एक फायदा हुआ कि बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम सितंबर में हुआ तो यस रीजनेबल सर, टाइम भी मिल गया, राइट? यस सर। सर मैंने बोर्ड एग्जाम की मतलब प्रैक्टिस, मतलब मेरे पापा बोलते थे कि बोर्ड एग्जाम में 1-2% कम आ जाएंगे चलेगा, बट नीट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम में, मैंने ला ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पूरा फोकस नीट पे ही रखा था। चलिए, तो कार्तिकेय, हमने ये जो आपने बताया ना कि मुश्किल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोगों ने, हमारा ऐसा मानना है कि नीट का एग्जाम तीनों सब्जेक्ट में भी मुश्किल आ सकता है। एनटीए के यस सर, ऊपर जिस टाइप का स्कोर इस बार का है, इतने सारे बच्चों के 650 के ऊपर है, यस सर, दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन द एग्जाम इन माई माइंड, राइट? तो मुझे लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड एग्जाम्स का जो लेवल है ऐसा होगा कि थोड़ा डिस्टिंक्शन हो, ये ना हो कि एक एक नंबर पे 300 300 चार चार सौ बच्चे हैं और यस सर, आप एग्जैक्टली। क्राइटेरिया की जगह टॉस उछाल उछाल के डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा टॉस आया अच्छा तो तुम केजीएमसी जाओ, टॉस आया खराब तुम आरएमएल जाओ, तो वो यस नहीं सर, होना चाहिए, है ना? यस ठीक सर। है, तो कौन से कॉलेज टारगेट कर रहे हैं कार्तिकेय आप? सर अभी BHU में मेरा बॉर्डर लाइन केस है, अगर लक अच्छा हुआ तो BHU मिल जाएगा, नहीं तो KGMC तो है ही, KGMC मिल जाएगा। केजीएमसी तो है, ठीक है, वेरी गुड। कार्तिकेय ये बताइए कि यदि आपको दो एडवाइस देनी हो स्टूडेंट्स को, आप ऐसे सोचिए कि मोहल्ले में सबको पता चल गया कार्तिकेय का सिलेक्शन हो गया है, कोई आता है आपके पास कि बच्चे को मेरे भी बता दीजिए कि क्या चीज करें, अभी 10th से 11th में आया है, क्या करें, दो चीजें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू क्रैक एन एग्जाम लाइक नीट। सर सबसे पहली चीज आती है, अगर कोई 11th में आता है तो कंसिस्टेंटली लगे रहना है। मतलब अगर आप डेली 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ते हो स्टार्टिंग में, थोड़ा मुश्किल है, स्कूल के लेकिन अगर अलावा आप, या स्कूल मिला हाँ के? सर, स्कूल मिला के, मतलब अभी क्योंकि बोर्ड भी है स्कूल भी है, लेकिन अगर आप डेली चलो 5 घंटे अलग से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी ग्रिप आपकी लास्ट में आ जाएगी। और दूसरी चीज है मतलब मोटिवेशन हाई रखना है, जैसे एनके शर्मा सर भी लास्ट में कहते थे कि माइंड गेम है, तो मोटिवेशन लास्ट में बहुत हाई रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और या प्लस सारे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वेरी गुड, तो डिसिप्लिन, यस सर, बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ना डिसिप्लिन। है, यस सर, दैट इज व्हाट डिसिप्लिन इज, यस सर, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। यस सर, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कभी 16 घंटे पढ़े और 5 दिन नहीं पढ़े, वो नहीं चलेगा। डेली हाँ बिल्कुल नहीं, का हाँ पांच सर, घंटा मतलब डेली का 5 घंटा, उससे कम नहीं होगा। हाँ यस सर, और दूसरी चीज, मोटिवेशन हाई रखना है, हाई रखना उतार चढ़ाव वाली जर्नी होने वाली है, आप सोचोगे कि आपकी ग्रिप बन गई है और धड़ाम से मुंह के बल गिरोगे, है। यस हिम्मत सर, होनी चाहिए उस समय उठ के वापस चलने की। बहुत बिल्कुल बढ़िया, तो कार्तिकेय दिस इज फैंटास्टिक। यदि कोई स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कार्तिकेय देहरादून में रहते हैं, तो मैं आपका ईमेल एड्रेस शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच कार्तिकेय, इट वॉज अ प्लेजर यू टॉकिंग सर, टू यू। थैंक यू सर।